अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म अहमदाबाद से भरा है या फिर वहां से भरने का सोच रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में अहमदाबाद जोन से 2019 में कितनी वैकेंसीज रही थी या 2024 में कितनी वैकेंसी देखने को मिली है, उसके बाद वहां का कट ऑफ क्या रहा है 2019 में, वही कट ऑफ हो सकता है दोबारा से रिवाइज हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद जोन ना बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय जोन है, इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। और उसकी बात करें तो यहाँ पर कितने फॉर्म अहमदाबाद जोन से भरे जाने की संभावना है, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 2019 में यूआर कैटेगरी से जो पोस्ट देखने को मिली थी हमें लेवल 5 और लेवल 6 की मिलाकर, तो ये थे 315 पोस्ट। वहीं अगर एससी की बात करें तो एससी की जो ओपन और पोस्ट देखने को मिली थी रेड है 66, एसटी से बात करें तो 29 पोस् ट देखने को मिली थी 2019 में, ओबीसी से 118, ईडब्ल्यूएस से 55, तो टोटल पोस्ट देखने को मिली थी हमें 584। ये ग्रेजुएशन लेवल से ये पोस्ट थी 5 और 6 लेवल की। उसके बाद अगर बात करें 2024 में, यानी कि अब जो वैकेंसी हमारे सामने खड़ी हुई है इसमें कितनी पोस्ट हमें देखने को मिली है, तो यूआर से यहां पर देख रहे हो कम हुई है पोस्ट, 202 पोस्ट यहां पर हमें देखने को मिली है। एससी से बात करें तो 79 पोस्ट देखने को मिली है, एसटी से 37, ये देख रहे हो पोस्ट बढ़ रही है, एसटी में भी बढ़ी है, ईडब्ल्यू ओबीसी में 137 पोस्ट हो चुकी है और ईडब्ल्यूएस में 61। तो ओवरऑल जो 2024 में हमें ग्रेजुएट लेवल से अहमदाबाद जोन से जो पोस्ट देखने को मिली है वो मिली है 516, यानी कि आप देख रहे हो वैकेंसीज में तो ज्यादा अंतर है नहीं, इस बार वैकेंसीज में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने अहमदाबाद जोन में फॉर्म भरा है तो बिल्कुल एज इट इज वैकेंसी दो की 2019 में थी वही 2024 में भी है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं 2019 में कट ऑफ क्या रहा था अहमदाबाद से, तो कट ऑफ भी एक बहुत ही नॉर्मलाइज कट ऑफ यहां पर देखने को मिला है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ मैं कहूं तो हाई कट ऑफ यहां पर नहीं गया है। यूआर की अगर बात करें तो यूआर में लेवल 5 और लेवल 6 का कट ऑफ क्या रहा है, 64 लेवल 5 है ये और ये लेवल 6 है, ठीक है, लेवल 5 से जो कट ऑफ देखने को मिला है 64, लेवल 6 से मिला है 72। एसटी की अगर बात करें तो 59 कट ऑफ यहां पर गया है और 59 और 66, एसटी की बात करें तो 53 और 62, ये कोई ज्यादा कट ऑफ होता है क्या? आज के टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं ओवरऑल उसमें 80% तो कट ऑफ जा ही रहा है तभी आप पास कर पा रहे हो। ओबीसी की अगर बात करें 60 और 67, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लो गया है 51 और 61, जो कि एक आज के टाइम पे कहें तो बहुत ही ज्यादा लो कट ऑफ है आज के कॉम्पिटिशन को देखते हुए। वहीं अगर बात करें 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं या मेरे को एग्जामिनर बता गया था कान में कि भाई पेपर का लेवल बहुत इजी रहेगा, पेपर ऑब्वियसली बात है जब पेपर का लेवल इजी रहेगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी क्योंकि बच्चे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में। अगर पेपर का लेवल टफ रहता है तो ऑब्वियसली बात है पेपर का लेवल टफ रहेगा तो कट ऑफ जो है लो जाएगी। तो सिंपली यहां पर अगर अंदाजा लगाए, अगर पहले जैसा पेपर एग्जाम में एग्जामिनर दे भी देता है तो यहां पर 65 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर इसकी बात करें तो 60 से लेकर यहां पर 70 तक कट ऑफ देखने को मिली है आपकी एससी से देखने को मिलने वाली है। एससी की अगर हम बात करें तो एसटी से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 55 से लेकर 65 तक, तो इतना तो कट ऑफ यहां पर रहेगा। अब आपको इतने मार्क्स तो लाने होंगे, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट कट ऑफ है, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतने मार्क्स अगर आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप यूआर से बिलोंग कर रहे हो, एससी से या एसटी से, इतने मार्क्स तो आपको नॉर्मलाइज मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो अभी से अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी से अपने सपनों को बुनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है 5 साल में एक बार आती है। मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से यह कड़वा सच है कि भाई आज के टाइम पे ना एनटीपीसी 5 साल में एक बार आता है, तो इस बार ये आपके सामने आखिरी मौका भी हो सकता है क्योंकि आगे पता नहीं है कि ये कब देखने को मिले। और आपके पास बस केवल एक ही मौका है, इस साल सरकारी नौकरी लेकर दिखाना, इस साल अपने सपनों को पूरा करके दिखाना, अपने सपनों को एक नई उड़ान देना, और उसी के लिए एग्जाम विधि परिवार लेकर आ चुका है उत्कर्ष बैच, एनटीपीसी का उत्कर्ष बैच, जो कि भारत का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बैच साबित होने वाला है, और यही आपके सिलेक्शन में ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा, क्योंकि ये काफी सारी खूबियों वाला बैच है। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास के हैंडरिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, इतना सब कुछ केवल और केवल 199 रुपए में। उसके साथ साथ अभी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में मिलने वाली ई बुक्स और हैंडरिटन नोट्स। अब इसको ज्वाइन कैसे करें, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना है और उसको रजिस्टर लॉग इन करके वहां से ज्वाइन कर लेना है आरआरबी एनटीपीसी उत्कर्ष बैच 2024।
या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं क्लासेस में और एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।